हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सारी शिक्षक भर्ती जो है वो फंसी हुई है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी कोई अता पता नहीं है और चुनाव लोकसभा का 2024 में ही है। तो फिलहाल यहाँ पर एक अपडेट आई है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि चुनाव से पहले भर्ती का दबाव, जल्द गठित होगा आयोग। पीजीटी के 4163 असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का इंतजार। अगले साल लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पड़े हजारों पद पर भर्तियां अटकी पड़ी हैं। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर चुनाव से पहले भर्ती पूरा कराने का दबाव भी है। ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होने के आसार हैं। जुलाई के अंत तक नए आयोग का गठन किया जा सकता है। तो यहां पर बताया गया कि नया आयोग जो है जुलाई के अंत तक होगा। और एक बात मैं फिर बता दूं कि जब तक नया आयोग नहीं बनेगा तब तक ना तो यूपी टेट उत्तर प्रदेश में होगा और ना ही प्राथमिक की कोई भर्ती आएगी। और साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसका भी एग्जाम डेट घोषित नहीं किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है यहां पर इंतजार, इसमें भर्तियों से ज्यादा इंतजार है नया शिक्षा सेवा आयोग बनने की। और जिसको लेकर के एक पॉजिटिव अपडेट यह आ रही है कि ये जो आयोग है वो आपका जुलाई के एंड में आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो यही सब चीजें यहां पर बताई गई हैं कि 4163 पदों पर जो है भर्ती आई थी, 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, लेकिन इन सभी की एग्जाम डेट इसी वजह से रुकी हुई है कि ये सारी की सारी जो यहां पर एग्जाम है वो अब नया शिक्षा सेवा आयोग कराएगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियां अब नया शिक्षा सेवा आयोग से ही होंगी। और जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक जो है यहां पर कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होंगी और ना ही इसकी एग्जाम डेट भी घोषित की जाएगी। अगली अगर अपडेट की बात करते हैं जो कि यहां पर एसएससी एमटीएस की भर्ती आई है 1558 पदों पर, नॉन टेक्निकल और हवलदार पोस्ट पर वैकेंसी है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि यहां पर बताया गया अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष कोई है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 साल है, कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दी जाएगी और ssc.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। वैकेंसी ठीक ठाक है, लेकिन यही है कि वैकेंसी कम है बस, बाकी आपको अगर डालना है फॉर्म तो आप जरूर डाल दीजिए क्योंकि अच्छी वैकेंसी होती है। कल यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर था और यहाँ पर बताया गया कि ईपीएफओ परीक्षा में 46% जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। प्रयागराज के 91 केंद्रों पर परीक्षा हुई है और 618 जैमर भी लगाए गए थे। यूपीएससी ईपीएफओ पेपर करवाता है 3 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए। रविवार को आयोजित परीक्षा में 46.19% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा पर निगरानी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। केंद्र पर 618 जैमर भी लगाए गए थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कितने लोग यहाँ पर पेपर दिए थे, तो लिखा कि दोनों पाली में परीक्षा के लिए कुल 79,594 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 36,000 लोगों ने यहां पर पेपर दिया। तो देख सकते हो कि पेपर बहुत ज्यादा लोगों ने छोड़ा है, 50% से ज्यादा लोगों ने पेपर को छोड़ दिया है। अगली जो अपडेट है वो है डेलेट को लेकर के। तो 8 डेलेट की जो है फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा आज से जो है स्टार्ट हो रही है। तो जिनका भी पेपर है उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आज ज्यादा अपडेट्स थी नहीं, जो भी थी अगर कोई अपडेट और आती है तो आप लोगों को मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।